नमस्कार। तो रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो चुका है उस बात पर बात करने का जहां पर हम आपके मुद्दों की बात करते हैं और कार्यक्रम का नाम है आपका मुद्दा। तो ऐसे में आज कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस आंदोलन की जो चला और जीता, जिसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि हम माफी मांगते हैं कि हम समझा नहीं सके। सब कुछ ठीक, सब कुछ जायज है, लेकिन कुछ लोगों की जो सियासी दुकान, जो सियासी बिजनेस चल रहा था, दरअसल उस पर चोट लगी है और उस चोट को सहन करना कई लोगों के लिए मुश्किल है। दर्शकों, इसी वक्त पिछले साल एक आंदोलन जन्म ले रहा था। पिछले साल इस वक्त तक कोरोना आया और कोरोना आकर जा चुका था। पहली वेव कोरोना के जाते ही दिल्ली के तमाम दरवाजों से हलचल आनी शुरू हो गई। वहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे, झड़पें हुई, कई दिन तक यह मसला चला। उसके बाद किसानों ने बॉर्डरों पर ही डेरा डाल, वहीं पर धरना देना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यह ऐतिहासिक हो चला। 3 बॉर्डरों की कहानी हर जगह सुनाई देने लगी, सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर और तीसरा गाजीपुर बॉर्डर। दर्शकों, आपको याद होगा कि जब इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो इस आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा के अंतर्गत जो चल रहा था उसमें जो नेता नजर आते थे उसमें दर्शन पाल सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, ये नेता नजर आते थे, सिख ज्यादा नजर आते थे, अपनी मांगों को लेकर स्पष्ट थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसके बाद 26 जनवरी की हिंसा ने इस आंदोलन के पिलर को हिला दिया और जब इस आंदोलन का पिलर हिला तब यह आंदोलन सिमटता हुआ नजर आया। लेकिन 28 जनवरी को राकेश टिकैत के वो आंसू जिन्होंने पूरी तस्वीर बदल कर, किसान जो वापस घरों को लौट चले थे वो एक बार फिर वापस बॉर्डरों पर आ गए और एक बार यूं फिर किसान आंदोलन ने नया जन्म लिया। और इस बार इस नए आंदोलन का नेतृत्व करते नजर आए राकेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता। और देखते ही देखते संयुक्त किसान मोर्चा इतना प्रभावशाली नहीं रह गया जितना खुद राकेश टिकैत एक व्यक्ति किसान आंदोलन को लीड करता हुआ नजर आने लगा। किसान आंदोलन में अगर सबसे ज्यादा किसी नेता का चेहरा नजर आने लगा तो वो थे राकेश टिकैत। राकेश टिकैत सीधे मंच से चढ़कर सरकार को चेतावनी देने लगे। इधर सरकार के लोग भी किसान आंदोलन के नाम पर राकेश टिकैत पर आरोप प्रत्यारोप करने लगे। ये लड़ाई राकेश टिकैत बनाम सरकार हो गई। कोई भी घटना हुई सबसे पहले राकेश टिकैत के पास लोग पहुंचते थे। राकेश टिकैत लाइमलाइट में नजर आते रहे। लेकिन दर्शकों, दुकान तो तब सिमटी, बोरिया बिस्तरा तो तब सिमटा जब दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान आंदोलन की सबसे प्रमुख, सबसे प्राथमिक मांग को मान लिया, कृषि कानूनों को वापस ले लिया। इसके बाद जो दरअसल किसान सच में कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब वापसी का वक्त, सरकार ने हमारी मांगे मान ली, अब वापसी का वक्त। लेकिन यह देखकर राकेश टिकैत परेशान हो गए, हैरान हो गए। अब सियासी दुकान का क्या, अब सियासी कारखाने का क्या, अब कैसे चलेगा सब कुछ? तो राकेश टिकैत ने कहा कि नहीं, अब एमएसपी पर कानून चाहिए। कह रहे बिजली नहीं मिल रही, तो ऐसे में लोग पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत की आखिरी मांग क्या होगी। तो मैं बताता हूं राकेश टिकैत की आखिरी मांग क्या होगी। राकेश टिकैत की आखिरी मांग होगी कि जब सब मांगे मान ली जाएंगी तब वो कहेंगे कि अब उन्हें कृषि मंत्री बना दो। और अगर राकेश टिकैत को कृषि मंत्री नहीं बनाया गया तो आंदोलन यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा। तो दर्शकों, जिस राकेश टिकैत को आज से 1 साल पहले तक
हम लोग सरल भाषा का प्रयोग करते हुए सुनते थे, बातें करते हुए सुनते थे, बाद में धीरे धीरे वो खुद ही एक्सपोज हो गए। और बाद में जब कुंडली निकाली तो पता लगा कि 2013 में जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, उसके बाद से जो जाट था वो दरअसल बीजेपी की साइड आ गया। ऐसे में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, इन सबका जो वो प्रमुख वोटर था जाट और मुसलमान, ये तो अलग थलग हो गए और जाट आ गया बीजेपी के खेमे में। और 2013 के बाद से 2014 में जब चुनाव हुए तो तस्वीर कुछ यूं बदली कि जाटों के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय अजीत सिंह भी चुनाव हारे। तो कहीं इसी सिस्टम को वापस बैठाने के लिए राकेश टिकैत तो नहीं लगे हैं? राकेश टिकैत का एजेंडा क्या है? किसान आंदोलन तो एजेंडा नहीं होता, किसान आंदोलन की आड़ में वो दरअसल अपना कुछ और ही एजेंडा हिट कर रहे हैं। वो जाट और मुसलमानों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। दर्शकों, 2018 में नरेश टिकैत, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, गांव-गांव जाकर जाटों को समझा रहे थे कि साथ में आ जाओ, मुसलमानों के साथ आ जाओ और मिलकर वापस उसी रणनीति पर आओ जहां पर एसपी को वोट करो, कांग्रेस को वोट करो, बीजेपी को वोट मत करो। तो ये वो एजेंडा था। तो दरअसल राकेश टिकैत का एजेंडा किसानी नहीं है, राकेश टिकैत का एजेंडा सियासी है। राकेश टिकैत की जो दुकान है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, वो राजनीति से प्रेरित है और सियासी है, ऐसा नजर आता है। क्योंकि अब जो संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जो संगठन थे 52, 55, 53, उनमें से अब जो मीटिंग होती है, जो जत्थे लगते हैं, उन मीटिंग में राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया जाता, उन मीटिंग्स में राकेश टिकैत का नाम नहीं लिया जाता, उन मीटिंग्स में जो भी डिसीजन होता है उसमें राकेश टिकैत को शामिल नहीं किया जाता। 1 दिसंबर को मीटिंग होनी थी संयुक्त किसान मोर्चा की, लेकिन वो डिसमिस कर दी गई, खारिज कर दी गई, रोक दी गई, क्योंकि कुछ किसान घर जाना चाहते हैं। और ये कौन किसान है? ये वो किसान है जो सबसे पहले किसान आंदोलन को जिन्होंने शुरू किया था, सिंघू बॉर्डर के किसान, टीकरी बॉर्डर के किसान। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर के जो किसान है राकेश टिकैत के नेतृत्व वाले, वो परेशान है। वो कह रहे हैं कि आंदोलन खत्म हो गया तो फिर सियासत कैसे चलेगी, हम क्या करेंगे, आगे भविष्य हमारा क्या रह जाएगा, कौन पूछेगा। लेकिन सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर के किसानों का कहना है कि हम तो किसान हैं, हम तो किसान नेता हैं, आए थे अपनी मांग को लेकर, मांग पूरी हुई, डिमांड पूरी हुई, चले सत श्री अकाल। लेकिन राकेश टिकैत परेशान, अब क्या करें? ऐसे में समस्याएं बहुत हैं, समाधान की बात बहुत होती है, हुई भी। लेकिन ऐसे में इससे पहले आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जिसको दिखाना तो नहीं चाहता था क्योंकि काफी व्यक्तिगत है, काफी पर्सनल है, लेकिन 2 तस्वीरों से आप समझिएगा। एक, राकेश टिकैत से मैंने उस वक्त मुलाकात की थी जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था, संस्कारी राकेश टिकैत, और एक राकेश टिकैत से मैंने कुछ महीनों पहले मुलाकात की, अब वो अहंकारी राकेश टिकैत। दोनों में आप भाषा शैली का अंतर देखिएगा, दोनों से समझिएगा कि जो राकेश टिकैत यहां पर आए थे एक टुकड़ी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के अंडर में, जो सरकार के सामने अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन देखते ही देखते वो सियासी राकेश टिकैत हो गए, वो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा हो गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अहंकार टिक पाएगा, क्या किसान जो वापस जाना चाहते हैं उनको राकेश टिकैत रोक पाएंगे। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेंगे, आज एक गर्मा गर्म बहस होगी। लेकिन उससे पहले राकेश टिकैत के 2 चेहरे देखना बहुत जरूरी है, लाजमी है। पीसीआर से अनुरोध है, जरा चलाइएगा। हम तो कानून तो बनवाना चाह रहे, जो कानून है एमएसपी पर कानून बने, ठीक है, एमएसपी के बगैर कानून बने, भाव नहीं मिलने का किसानों को। एमएसपी की बात कर रहे हैं, जो देश भर के लोग इस चीज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं कि एमएसपी से सरकार जो कह रही है, सरकार के बड़े तमाम जितने नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई छेड़छाड़ ही नहीं हुई है। जब छेड़छाड़ नहीं हुई है तो फिर किसान को क्या समस्या? छेड़छाड़ तो करवानी है एमएसपी में, बिना छेड़छाड़ के कैसे काम चलेगा, उस पर कानून बनाना पड़ेगा। मतलब 3 कानून बना दिए, किसान की फसल का लुटाई का और कानून बना दिया, उसको रख रखाव का कानून बना दिया, कोई भी व्यापारी दुकानदार खरीद देगा, बड़े बड़े वे आएंगे खरीद देंगे, माल को इकट्ठा करेंगे,
फिर वे महंगे में बेचेंगे, उसके लिए तो कानून बना दिया। जिसका माल खरीदोगे उसके लिए कोई कानून नहीं बना रहे। अरे तो गुंडागर्दी है भाई, ये नहीं चलने की। ये जो हेरा फेरी है पूर्ण रूप से, ये अब किसान समझेगा, ये चलेगी नहीं अब। क्योंकि आपने MSP पर कानून बनाने का जिक्र किया, क्योंकि इससे पहले 23 जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट फसलें होती थी उन पर MSP दी जाती थी, ये उन्हीं पर कानून बनाया जाए या फिर सारी फसलों की आप बात कर रहे हैं? अरे हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं हमारी खरीद कर लो, खरीद होती नहीं, व्यापारी कम में लूटता है। हम उसी पे ही तो कह रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर खरीद करता है वो व्यापारी खरीद करो, सरकार खरीद करो, जो सरकार का रेट है उसके कम पर ना खरीद करें। वो एक साइंटिस्टों की सब लोगों ने एक कमेटी के तहत वो आया है कि इससे कम पे अगर बिकेगा तो किसान को नुकसान होगा। हमारी खरीद नहीं हुई जब भी तो यहाँ पर आ रहे हैं। काले कानून जो लेकर उसके खिलाफ है, पर तो स्टे है MSP। अब आप MSP पर क्यों आ गए? आपने पहले काले कानून की बात, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप दिल्ली का जो गर्दन है उसको दबा कर बैठे हुए हैं। आज सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आपको राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप सड़कें बंद कर देंगे। आपकी बात हुई क्या सरकार से? मेरी बात नहीं, राकेश जी आपकी बात होती होगी कि रास्ते ब्लॉक है। दरअसल बात यह है जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं ये भी तो वही सड़क है। आप खुद यहाँ से हट जाइए, सब अपने आप हट जाएगा। बीमारी है कुछ, जिन कानूनों के विरोध में आप दिल्ली जाना चाहते हैं उन पर स्टे है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। और भी तो बहुत मामले हैं, स्टे लगा है, सीधा सवाल है आपसे, तो फिर आप क्यों जाना चाहते हैं? बस इतना बताइए, धान क्या रेट बिक रहा है? जी मैं आपसे रामायण के बारे में पूछ रहा हूँ, महाभारत पे जा रहे हैं। महाभारत में बिक रहा 800 रुपए क्विंटल। लाखों करोड़ों का जो अनाज पड़ा हुआ है भंडारण में उसका क्या करें? उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए आप उत्तर प्रदेश में ज्यादा एक्टिव हो गए। धान अभी कटिंग होगा, वो सीधा धान मंडी में जाता है, वो अभी बिकेगा ना, चुनावों तक ही बिकेगा। एक के हाथ माई के दे दिया, वही सारे सवाल वही कर रहा। जो कृषि के एक्सपर्ट हो उनको लगाना चाहिए। आप पढ़े लिखे होंगे, 370 के भी एक्सपर्ट नहीं है, आप भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों के एक्सपर्ट नहीं है। आप ठीक है यार, कभी कभी तो कनेक्शन तेरा ठीक पकड़े। तो क्या किसान आंदोलन से राकेश टिकैत अलग थलग हो चुके हैं और सिर्फ अब वो एक राजनीति का मोहरा चेहरा बनकर रह गए? गर्मा गर्म बहस, मेहमान काफी जुड़ेंगे और अब मैं उनका आपसे तारुफ कराता हूं, परिचय कराता हूं। तो मेहमानों का स्वागत है, अश्विनी शाही साहब है हमारे साथ, प्रवक्ता है BJP के, भूदेव शर्मा जी है प्रवक्ता है कांग्रेस से, अक्षांश पंडित जी हैं किसान नेता हैं, SK सिंह है भानुगुट से, भारतीय किसान यूनियन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मुद्दा आपका, मैं सबसे पहला सवाल अक्षांश पंडित जी आपसे है, सीधा सवाल है। एक कमेटी बनाई गई है जो सरकार के साथ बातचीत कर रही है, उस कमेटी के जो सदस्य हैं बलवीर सिंह राजेवाल, डॉक्टर अशोक धावले, शिव कुमार शर्मा उर्फ कक्का, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और युद्धवीर सिंह, इसमें कहीं भी राकेश टिकैत का नाम नहीं है। तो क्या राकेश टिकैत संयुक्त किसान मोर्चा से साइडलाइन कर दिए गए हैं? क्या राकेश टिकैत अब सिर्फ राजनीति का चेहरा बनकर रह गए हैं? किसान आंदोलन में नेतृत्व में उनका कोई नाम नहीं? चलिए ठीक है, शायद और ये आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, नहीं ऑडियो की समस्या हो रही है, ऑडियो की समस्या हो रही है, आपका शायद फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। फिर से आपको कॉल किया जा रहा है, इससे पहले फिर से आपको कॉल किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले मैं सवाल ले लेता हूं अश्विनी शाही जी से। अश्विनी शाही BJP प्रवक्ता, तो राकेश टिकैत सुनने में आया था कि आपकी बी टीम है, लेकिन अब तो वो कांग्रेस की भी कोई टीम नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस वाले कह रहे थे आपकी बी टीम है, लेकिन अब तो वो संयुक्त किसान मोर्चा की भी टीम नजर नहीं आ रहे हैं, कहां राकेश टिकैत? देखिए राकेश टिकैत जी इस आंदोलन में कूद गए और किस तरीके से जो उनके लिए कहा जाएगा बड़े बेआबरू होके तेरे पूछे से हम निकले, वो उनके ऊपर लागू होता है। आज बैठक में नहीं बुलाए गए, 32 संगठन वापस जाना चाहते हैं। इन्होंने पूरे आंदोलन को जो हाईजैक किया है, आज इनकी भाषा आपने अभी दिखाया अहंकारी, इनकी भाषा अहंकारी होती थी, बक्कल की भाषा ये प्रयोग कर रहे थे। सरकार की जो बातें इन्होंने कहा, सरकार की हिम्मत हो तो ये कर ले, अभी कुछ दिन पहले ये स्थितियां थी। आज तो मैंने सुना है कि भानु सिंह जी ने इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया है कि कांग्रेस की फंडिंग थी, और यो हो ना हो ये सच है, बिना फंडिंग के ये चंदाजीवी ये लोग नहीं रह सकते हैं यहाँ। आज देश को इनकी, देखिए इनका फंडिंग पर तो जवाब दे दिया गया, फंडिंग पर तो अश्विनी जी जवाब दिया है,
ट्रांसपेरेंसी पूरी रखी है, बताया है कि इतने इतने करोड़ मिले थे, इतने खर्च हो गए, 85 लाख रुपए बचे हैं। अभी इनको इनको डर ये है, ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, इन्होंने जो राष्ट्रीय संपत्तियों का, जो व्यापार का जो नुकसान किया है, जो इनके यहाँ मुकदमे लगे हैं, ये मुकदमा वापस ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि कहीं इनके ऊपर रासुका न लग जाए। और उत्तर प्रदेश में जो रासुका का कानून है उसमें संपत्तियां जब्त करके बुलडोजर चलाने का काम भी होता है। ये दहशत इनका ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आज हम हिल गए और हमारे मुकदमे वापस नहीं लिए गए, योगी जी का बुलडोजर अगर हमारे घर के तरफ चल गया तो क्या होगा, जो इतने दिनों में हमने अवैध संपत्तियां पता नहीं कहां कहां से देखी, कितने बड़े एक किसान से मैं नमन करता हूं। तो फिर नहीं, एक सेकंड, आपने कहा कि बुलडोजर आ चल जाए, ये डर था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जब कृषि कानूनों को वापस लिया तो सबसे ज्यादा क्रेडिट भी राकेश टिकैत को ही मिला है। मैंने क्या कहा, मैं वो दूसरी चीज कह रहा हूँ, आपसे ध्यान दीजिए, ये कह रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश में जो संपत्ति नुकसान हुई, जो नुकसान हुआ, व्यापार को नुकसान हुआ, जो मुकदमे लिखे गए, इन लोगों पर मुकदमे भी तो है, तो कानून तो अपना काम करेगा। और अगर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका लग गया तो बुलडोजर भी चल सकता है, ये दहशत है। ट्रैक्टर खरीद कर देने वाली मांग हो गई, अब जो है मांग इनकी हो गई कि हमारे ऊपर से मुकदमे वापस लिए जाए। अश्विनी जी देखिए, थोड़ा सा है अब अश्विनी जी, थोड़ा प्रैक्टिकल जवाब दीजिए, जिनके आंसुओं को लेकर आप उनको वहां से हटा नहीं सके, क्या आप उन पर बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं? मैंने क्या कहा, ये दहशत है उनके अंदर, मैं ये कह रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए, मैं फिर से लाइन दोहरा दे रहा हूँ कि जो नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे, मैं अश्विनी जी आपसे ये कह रहा हूँ, आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जब राकेश टिकैत के चार आंसू गिर गए तब आपकी सरकार उन्हें वहां से उठा नहीं सकी, आज आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं? सब माहौल दूसरा था, मैं क्या कह रहा हूँ, आज जो है जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसको पूरा सुन लीजिए, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि अगर जो मुकदमे लगे हैं इनके ऊपर, उन मुकदमों में रासुका भी है, और रासुका में जब कार्यवाही होगी तो सही पर भी, क्योंकि ये अन्य किसान संगठनों के द्वारा किनारे कर दिए गए हैं, इसलिए ये अलग थलग पड़ जाए तो सही ऐसा ना हो कि रासुका के तहत जो कार्यवाही होती है हमारे ऊपर हो जाए, तो जो अहंकार था इनका वो अहंकार दूषित होगा और वो उत्तर प्रदेश में की सरकार में हो सकता है, क्योंकि ये निवासी है उत्तर प्रदेश के, सिंघू बॉर्डर वाले पंजाब चले जाएंगे, टिकरी वाले उधर चले जाएंगे, ये उत्तर प्रदेश के निवासी है। अश्विनी जी, बड़ा सीधा की मांग हो रही है, आपने अहंकार देखा, आपने खुद इंटरव्यू, ठीक है, अहंकार की बात हो गई, संस्कार की बात हो गई। अश्विनी जी, बड़ा सीधा सटीक और बड़ा मासूम सा सवाल है, आपने जो बुलडोजर की जो चेतावनी दी है ये सिर्फ राकेश टिकैत के लिए है या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो 55 और टुकड़ियां काम कर रही हैं उन सब नेताओं के लिए आप बात कह रहे हैं कि अगर वो वापस पंजाब जाएंगे तो केंद्र सरकार उन पर भी कार्रवाई करवा सकती है? आप सभी नेताओं के लिए बात कह रहे हैं या राकेश टिकैत? आपने हमारी बात ही नहीं समझा। नहीं, आप समझा नहीं पा रहे शायद दोबारा से, जैसे आप किसानों को नहीं समझा पाए वैसे ही नहीं समझा पा रहे। आप थोड़ा सा ये बताइए, ये हर किसान के लिए है, फिर ये इनको फिर आगे बढ़ाइएगा, ठीक है? ये कह रहा उत्तर प्रदेश के निवासी जो होंगे रासुका के अंतर्गत उनके घरों पर बुलडोजर चलता है उत्तर प्रदेश में, आप ठीक है, हरियाणा में नहीं चलता लगता है उनका, हरियाणा में आपकी सरकार है, हरियाणा में नहीं चलता, सबसे ज्यादा किसानों पर मुकदमे हरियाणा में दर्ज है, और मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, हरियाणा की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? और उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैंने राकेश टिकैत की बात की, उत्तर प्रदेश के निवासी है वो, अच्छा। उनके दशक की बात की, मैंने हरियाणा किसानों की बात नहीं की, ठीक है, हरियाणा सरकार जो करना होगा करेगी, मुकदमा वापस लेना होगा ले लेगी, उत्तर प्रदेश की सरकार मुकदमा वापस ले लेगी, कोई दहशत नहीं, ठीक है, लेकिन अगर दहशत है इनको तो अगर रासुका लगा तो ये कहानी होने वाली है, ये इसलिए ये बिलबिला रहे हैं कि भाषा बदली हुई है, ठीक है, मीडिया कर्मियों को देख कर बोलते हैं कि तू हमको छेड़ रही हो, आज इनकी भाषा ये हो गई है, ये राकेश टिकैत नहीं, मैं प्रथम दिन से देखिए हमारे किसान अन्नदाता थे हैं और रहेंगे, लेकिन ये तथाकथित किसान नेता जो है जो बैठे थे गाजीपुर बॉर्डर पर, और गुरनाम सिंह चढ़ौनी तथाकथित थे, वो दाढ़ी वाले योगेंद्र यादव थे, बहुत से लोग ऐसे थे जो तथाकथित, गुरनाम सिंह चढ़ौनी तथाकथित किसान नेता है तो सरकार उनके साथ बातचीत क्यों कर रही है? सरकार ने देश के अन्नदाताओं के साथ बातचीत करने का
फैसला किया, देश से देशवासियों से माफी मांगा, कभी अपने दिल को खराब नहीं कहा, दिल को हमेशा बेहतर बताया, बस यही कहा कि कुछ लोगों को नहीं समझा पाए तो देश सर्वोपरि है, क्योंकि इनके बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, बड़ी हो गई थी, ठीक है, बाकी लोग भी इंतजार कर रहे हैं, बाकी लोगों पर भी आऊंगा। लेकिन अश्विनी जी, आपकी एक बात मुझे फिर भी समझ नहीं आई। आपने कहा तथा कथित किसान नेता चढ़ूनी, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के लिए आपने कहा, और आपकी सरकार उन्हीं के साथ तो बातचीत कर रही है। जब वो तथा कथित किसान नेता हैं तो उनसे बातचीत क्यों कर रही है? जब नकली किसान नेता हैं तो उनसे बातचीत क्यों कर रही है फिर आपकी सरकार? ऐसे नहीं चलेगा ना। आप एक तरफ करेंगे ये नकली किसान है और दूसरी तरफ आपकी सरकार उन्हीं के साथ बातचीत करेगी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा लेकर जो भी रहेगा उसको तथाकथित ही कहा जाएगा, सरकार बात करे वो ठीक है। अच्छा ठीक है, कोई नहीं कुछ कहूंगा, ठीक है, किसी से भी सरकार बातचीत कर सकती है। के साथ किसान नेता अगर है हिम्मत, नहीं आप फंस गए अपनी बातों में, आपको नहीं लग रहा? नहीं, एक सेकेंड, चढ़ूनी अगर नकली किसान नेता है तो फिर उनसे बात क्यों की जा रही है? डिसमिस करिए उनको, उनके ग्रुप में बात की जा रही है, उनसे अकेले बात तो नहीं की जा रही है। तो कमेटी के सदस्य क्यों है वो? आप कहिए कि कमेटी के सदस्य जो है नकली किसान है, इनसे बातचीत नहीं करी जाएगी? वो नेताओं ने बनाकर, किसानों ने बनाकर दिया है, उनको उनसे बात करेंगे। किसानों ने बनाकर दिया है तो आप फिर नकली किसान कैसे बता रहे हैं उनको? नकली किसान नेता कैसे? आपने तो उनको किसान माना ही नहीं ना। मैं कहता हूँ और आगे भी कहूंगा, वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा के नकली किसान है। ठीक है, नकली किसानों से आपकी सरकार बात करती है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सीधे चलूंगा अक्षांश जी के पास। अक्षांश जी, आप उस समय आपका फोन जो था वो दरअसल डिस्कनेक्ट हो गया था, उसके लिए माफी चाहूंगा। अक्षांश जी, एक बात बताइए, राकेश टिकैत जी की बात हो रही है आज। राकेश टिकैत जी आज से कुछ महीने पहले किसान आंदोलन के सबसे बड़े नेता बन गए थे। आप संयुक्त किसान मोर्चा की बात कर लीजिए कि संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये आंदोलन चल रहा है, लेकिन सबकी जुबान पर यही था, सबके जुबान पर यह था कि राकेश टिकैत इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। और अंदर खाने ये बातें भी चल रही थी कि राकेश टिकैत अगर ये आंदोलन कल को वापस ले ले तो सब वापस चल जाएंगे, तीनों बॉर्डर खाली हो जाएंगे। राकेश टिकैत इतना बड़ा चेहरा बन गए थे, पोस्टर बॉय बन गए थे किसान आंदोलन के, फार्मर्स प्रोटेस्ट के। तो ऐसे में आज राकेश टिकैत कहाँ है? कमेटी उनको अपनी टीम में लेती नहीं है? राकेश टिकैत के अलग कर दिए गए हैं क्या? वो सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा बन गए, किसान आंदोलन का चेहरा नहीं है? अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जी, खुलकर आराम से बताइए। देखिए, जहाँ पर उस संयोग से मेरा फोन कॉल कनेक्ट नहीं था, मैं बात उस समय भी यही कह रहा था, इस आंदोलन को ना कोई अक्षांश पंडित चला रहे, ना कोई राकेश टिकैत चला रहे। जैसे कि हमारे प्रवक्ता साथी ने कहा कि वो उनके हिसाब से जो तथा कथित किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी जी है ना, वो चला रहे। इस आंदोलन का संचालन संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किया जा रहा है। और रही बात कि उस दौरान आंसू और ये जो भी बिंदुओं पे लगातार मैं आप सभी लोगों की पूरी बातें सुन रहा था, जब गाजीपुर बॉर्डर में राकेश टिकैत जी वहां पर नेतृत्व कर रहे थे, नेतृत्व तो बेसिकली संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ही जिन जिन बॉर्डरों पे, चाहे वो टिकरी बॉर्डर रहा, चाहे वो सिंधु बॉर्डर रहा, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर रहा, चाहे वो चिल्ला बॉर्डर रहा, सभी का नेतृत्व एक ही जगह से हो रहा था, वो था संयुक्त किसान मोर्चा। गाजीपुर बॉर्डर पर नेतृत्व तो कौन कर रहा था? गाजीपुर बॉर्डर में मुख्य नेता के तौर पर हमारे राकेश टिकैत जी। ठीक है, राकेश टिकैत को फिर कमेटी में क्यों नहीं लिया गया? जब राकेश टिकैत गाजीपुर बॉर्डर पर लीडरशिप कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे, तो फिर उनको कमेटी में क्यों नहीं लिया गया जो सरकार के साथ बातचीत कर रही है? बहुत अच्छी बात आपने कही। कमेटी या ऐसा कोई क्लियर नहीं हो गया है कि जितनी भी संसार की कमेटी बनेगी उन हर कमेटियों में कि अक्षांश पंडित रहेंगे, कि राकेश टिकैत जी रहेंगे। इस चीज का निर्णय संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा जब लगातार अभी फिर जब आगे मामला आएगा तो राकेश टिकैत जी भी रहेंगे, अन्य लोग भी रहेंगे। अभी करंट में जिस चीज की संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह आवश्यकता महसूस किया गया कि किस किस मेंबरों को होना चाहिए, वो तो एक आम राय, एक मतलब समाज में बैठ करके जो लोग सभी लोग समाज के हर तक जो भी हमारे एजेंडे पर बात रखी जाती है और उस बातों के निचोड़ के बाद जो निकलता है उस वहाँ एक लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू, कोई परिवारवाद जातिवाद ऐसा कोई वाद थोड़ी लागू है कि हर जगह राकेश टिकैत जी रहेंगे, हर जगह अक्षांश पंडित जी रहेंगे।
नहीं नहीं आप बातों को गोलमोल कर रहे हैं, बातों को गोल 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 वाली क्या बात। गाजीपुर बॉडी का, गाजीपुर बॉर्डर के किसानों का नेतृत्व कमेटी में कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा फिर से मेरा निवेदन स्वीकार, फिर से आपसे वही सवाल कर रहा हूँ, मेरा भी निवेदन स्वीकार नहीं, 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 मैं गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान बैठे हैं उनका नेतृत्व उनकी तरफ से बातचीत सरकार से कौन कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, अभी आपको फिर से मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि केवल ये आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर नहीं चल रहा है। पूरी बात फिर से मैं स्पष्ट कर दूं थोड़ा सा, क्योंकि आप बार बार गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, आपने जैसे कहा मैं पूरी बात अपनी कर लूं फिर आपका मैं प्रश्न करूंगा। केवल ये आंदोलन ये तीन जगह है, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर या एक्सवाइजेड दिल्ली में जहां भी आप कह लें, लेकिन ये आंदोलन इसके साथ मध्य प्रदेश के रीवा में भी चल रहा है, किसी जगह महाराष्ट्र में भी चल रहा है, ठीक है, जहां जहां हर जगह इस आंदोलन को चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये कोई जहां आवश्यकता महसूस होगी, ठीक है, युद्धवीर सिंह जी गए हुए हैं, ठीक है, जहां भी आवश्यकता महसूस होगी टिकैत जी को रहेंगे तो टिकैत जी भी रहेंगे, ठीक है, ना टिकैत जी संयुक्त हर जगह संयुक्त किसान मोर्चा का जो भी गाइडलाइन होती उसी गाइडलाइन के अंतर्गत, ठीक है, जो भी मतलब किसान संगठन है उसी के बैनर के तले सभी लोग मिलकर के कार्य करते हैं, ठीक है। प्रमुख रूप से आंदोलन कहाँ चल रहा है? प्रमुख रूप से प्रमुखता का अर्थ क्या आप मानते हैं? अगर गाजीपुर बॉर्डर से, एक बड़ा ध्यान से सवाल सुनिएगा इसका जवाब दीजिएगा, अगर गाजीपुर बॉर्डर से सारे किसान वापस चले जाएं, टीकरी बॉर्डर से सारे किसान वापस चले जाएं, सिंघूपुर बॉर्डर जहां से किसान दरअसल वापस जाते हुए नजर भी आ रहे हैं वहां से भी वापस चले जाएं, तो फिर किसान आंदोलन का क्या रह जाएगा? कोई कहीं वापस नहीं जा रहा है। नहीं वापस जाने दीजिए ना, आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन सिर्फ यहां नहीं चल रहा है पूरे देश में चल रहा है, तो वापस जाने दीजिए। मैं क्या आपसे कह रहा हूँ बताइए, बात को आप थोड़ा सा घुमा रहे हैं, मेरी बात आप समझिए। आपने कहा कि आंदोलन सिर्फ गाजीपुर बॉर्डर पर नहीं चल रहा है, आंदोलन तो देश में चल रहा है, आप गाजीपुर बॉर्डर को मत देखिए। मैंने कहा मैं देखता ही नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान दिन रात बैठे हुए हैं फिलहाल उनका नेतृत्व कमेटी में कौन कर रहा है? उनको क्या पट्टी पढ़ाई गई है कि सरकार के साथ उनकी तरफ से कौन बातचीत कर रहा है? जो पूरा गन्ना बेल्ट का जो किसान बैठा हुआ है, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बागपत, इधर का जो पूरा किसान बैठा हुआ है राकेश टिकैत के कहने पर, उनकी बात कौन रख रहा है सरकार से? अब आप ये बताइए, गुरनाम सिंह चढ़ूनी रख रहे हैं पंजाब से आकर, या फिर बलवीर सिंह राजेवाल रख रहे हैं पंजाब से आकर, या फिर डॉक्टर अशोक धावले रख रहे हैं महाराष्ट्र से आकर? ये मेरे यूपी वेस्ट के किसानों की बात पंजाब सरकार के साथ कौन रख रहा है? युद्धवीर सिंह जी है ना कमेटी में, ठीक है, युद्धवीर सिंह तो महेंद्र टिकैत के साथ हुआ करते थे, महेंद्र सिंह टिकैत के साथ, अब उनका राकेश टिकैत के साथ इतना कोई लेना देना नहीं, आप इस बात को समझिए ध्यान से, ये बातें हैं, ये चर्चा है। हाँ आपने अभी क्या बोला? युद्धवीर सिंह एक शब्द बोला, मैंने क्या कहा? पश्चिम के किसानों के लिए आपका कथन यही है ना कि पश्चिम के किसानों के लिए, तो मतलब युद्ध, ठीक है, युद्धवीर सिंह जी जो है वो पश्चिमी को, पश्चिम के जो किसान है उनका नेतृत्व कर रहे हैं, राकेश टिकैत नेतृत्व नहीं करते हैं, मतलब राकेश टिकैत जी जो है अब वो साइडलाइन है, यही बात है ना आपकी? समय अभी जब आवश्यकता होगी, अभी इतनी वार्ताओं में तो टिकैत जी लगातार साथ में थे, फिर जब अभी जब आवश्यकता महसूस होगी तो टिकैत जी भी साथ में रहेंगे। अभी आवश्यकता महसूस नहीं हो रही उनकी, अभी 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 कमेटी को आवश्यकता हुई कि ये लोग जाएंगे, ठीक है, अभी वो यूपी का, अभी वो यूपी का चुनाव, अभी वो यूपी के चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं, किसान आंदोलन में भी व्यस्त नहीं हो सकते, उन्होंने पहले ही कह दिया है। चलिए ठीक है, आंदोलन कोई राजनीति का आंदोलन नहीं है। चलिए ठीक है, भूदेव शर्मा जी भी हमारे साथ प्रवक्ता हैं कांग्रेस से, काफी देर से आपके पास आना हुआ उसके लिए माफी चाहूंगा। भूदेव शर्मा जी सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो है, सवाल सवालों का जवाब भी देना चाहूंगा जो आपने न्यूज शुरू करने से पहले चीजें बताई और आपके स्क्रीन पर भी चल रही है कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या है या फिर राकेश टिकैत का जो क्या बोलते हैं गोल हो गया या क्या आंदोलन राजनीतिक है, तो ये सारे सवालों के जवाब मैं पहले दूंगा, उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे, अश्वनी जी ने जो बोला है उनके सवालों का भी मैं जवाब दूंगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब इस आंदोलन को शुरू किया गया था तब इस सरकार ने, सरकार के प्रवक्ताओं ने कभी माना ही नहीं कि ये किसानों का आंदोलन है,
पहले उनको खालिस्तानी आतंकवादी कहा, फिर कहा कि ये सिखों का आंदोलन है। 26 जनवरी के बाद उसको जाट और सरकारों का आंदोलन बोला गया, जाट और सरकारों का आंदोलन बोला गया, ठीक है। इसके बाद इसको मतलब सरकार ने इसको बदनाम करने की कोशिश की, इसको किसी भी तरह से आंदोलन को डिवाइड करने की कोशिश की लोगों में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है डिवाइड रूल बांटो राज करो की नीति। वही आज मेरे को बड़ा दुख हुआ कि आप चैनल पर जो बार बार ये दबाव डाल रहे थे कि आपके ही वीडियो मैंने सुने, आपने संस्कारी टिकट के भी वीडियो सुनवाए और अहंकारी टिकट के, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि दोनों वीडियो में वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हम एमएससी लेकर जाएंगे, एमएससी के लिए वो पहले भी बोल रहे थे अभी भी बोल रहे हैं। तो ये कहां से सिद्ध हो गया कि केवल सरकार के काले कानूनों के विरुद्ध ये आंदोलन था? उसके बाद आंदोलन में जिन 700 लोगों की जान गई उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने माफी नहीं मांगी, उनके लिए दो शब्द आज तक नहीं कहे, उनके घर से उनके बीवी बच्चों का क्या होगा इसका जवाब मीडिया सरकार से क्यों नहीं पूछती? आप इनका उल्टा आरोप लगाते हो, आप सरकार से नहीं पूछिए? आपने ये नहीं पूछा कि टोनी जी के लड़के ने किसानों को गाड़ी से कुचला, क्या उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? उनको सरकार से निकाला गया? वो मंच पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, ठीक है ना। आप ये देखिए कि सरकार ने इन काले कानूनों को क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि सरकार केवल और केवल चुनाव जीतना चाहती है। जब उपचुनावों में हार मिली तो उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने इनको किसान भी माना, माफी भी मांगी। तो ये बताइए कि जो किसान एमएसपी को लेकर के और जो दूसरी मांगे हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण कानून हो, बिजली बिल को लेकर हो, और जो किसानों की शहादत हुई है, तो वो उनको लिए बिना कैसे जाएंगे? आपने तो बड़ी आसानी से बोल दिया कि तीन काले कानूनों के विरोध में आंदोलन था। नहीं, आप अपने ही वीडियो सुनिए, उनमें साफ तौर पर आपको पता चलेगा कि आंदोलन में शुरू से मांग एमएसपी की थी। अब रही बात अश्विनी जी की, तो अश्विनी जी मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने कभी उनको किसान नहीं माना। पहले आप प्रधानमंत्री जी से पूछ के आइए कि आपने किसानों से माफी मांगी कि तथाकथित किसानों से माफी मांगी? आपने कहा कि कुछ लोगों को परेशानी थी। अश्विनी जी प्लीज प्लीज मैं पूरी बात होने दीजिए। आपने कहा कि कुछ किसानों के लिए आंदोलन, कुछ किसानों को परेशानी थी, क्या 10% किसानों की वजह से आप 90% किसानों का नुकसान कर दोगे? अगर ये कानून इतने अच्छे ही थे तो फिर वापस क्यों लिया गया? क्या मतलब आपने 10% किसानों के लिए 90% का अहित कर दिया? अरे आप समझिए, ये चुनाव जीतने की मशीन बनना चाहते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये पूरा देश जानता है, किसान ही नहीं ये पूरे देश के किसान है। अब एसके सिंह और कमेंट ले लेते हैं, फिर डिबेट को खोलते हैं। 80% व्यक्ति किसी न किसी रूप में किसान परिवार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, जानते हैं कि आज देश के 80% जनसंख्या इनके खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए गए उसका जवाब ये जनता देगी, उसके लिए डरे हुए हैं। ठीक है, एसके सिंह जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे और कमेंट ले लेते हैं, फिर डिबेट को खोलते हैं, फिर सब लोग बात कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले भूदेव शर्मा जी एक चीज जानना चाहेंगे, जो कृषि कानून थे उनको आप काला कानून बता रहे थे, राहुल गांधी ने कहा था कि इस कानून को वापस लिया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए। अब कृषि कानून तो वापस ले लिए गए, खुश होंगे थोड़ा बहुत तो खुश होंगे सरकार से? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये कानून इनको वापस लेने होंगे, मैं तो ये बात हर चीज में, ठीक है, उन्होंने वापस ले लिया, थैंक यू बोलिए, चलिए किसी को भी लेकर हो, राहुल गांधी जी की बात को सरकार माना, सरकार ने राहुल गांधी जी की बात को माना, राहुल गांधी जी को क्रेडिट है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं की हत्या हुई है उनके बारे में भी उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, उनको भी सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, सरकार उसको भी माने। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि जो टैनी जी ने जिनके लड़के ने किसानों की हत्या कर दी उसको वो आज आपके मंच पर खड़ा हुआ, उसके हत्या राहुल गांधी थोड़ी ना बताएंगे हत्या कर दी, ये तो कोर्ट बताएगा, ये तो कोर्ट निर्णय देगा कि हत्या की कि नहीं की। ये राहुल गांधी नहीं बताएंगे, ना ही भूदेव शर्मा बताएंगे कि हत्या की कि नहीं की। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है भूदेव जी, ये दरअसल कोर्ट का मसला है, कोर्ट बताएगा कि हत्या की है कि नहीं की है। राहुल गांधी नहीं बताएंगे, ना ही भूदेव शर्मा बताएंगे कि उन्होंने हत्या की है कि नहीं की है, जांच चल रही है, गिरफ्तारी हो चुकी है। चलिए ठीक है, एसके सिंह पर आते हैं। एसके सिंह, भारतीय किसान यूनियन भानुगुट। एसके सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है बिल्कुल। ठीक है एसके सिंह जी, आप जब से चिल्ला बॉर्डर से गए, जब से आपने वापसी की, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आप शायद नहीं थे, आपके अलग मन अन्य मांगे थे, आप कह रहे थे कि किसान आयोग बनाइए, लेकिन 26 जनवरी की हिंसा के बाद आप वापस चले गए। अब आप आरोप लगा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा आरोप है, कि राकेश टिकैत जो हैं
वो कांग्रेस की फंडिंग पर काम कर रहे हैं। कोई इसके पीछे आपके पास दिखाने के लिए या बताने के लिए कोई पुख्ता सबूत है क्या? आप कैसे कह रहे हैं, हवाई बातें हैं? देखिए, ये हवाई बातें नहीं है। आज चैनल के माध्यम से आम का रहने वाला आम नागरिक भी ये सब चीजें देख रहा है। मैं सीनियर इंजीनियर रहा हूँ रेलवे डिपार्टमेंट में और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आदमी रहा हूँ। मेरे मन में भावना रही, मैं समाज सेवा के क्षेत्र में आ गया। किसानों के प्रति भी बहुत सहानुभूति है। मैं दिल से बहुत ईमानदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा मेरा चिंतन रहता है कि हम किसानों के बारे में क्या कर सकते हैं। जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ उससे पहले से भी मेरे व्यक्तिगत विचार ये थे कि किसानों के लिए कोई काम होना चाहिए, लेकिन जब इस आंदोलन की पूरी भूमिका को देखा गया तो मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि कोई भी देश का पढ़ा लिखा आदमी इस बात को समझ रहा था कि प्रायोजित है। इसमें दिखाई दे रहा था कि बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट में सरकार अपना जांच करा हुआ या कर रही होगी आगे, तो दिखाई दे रहा था कि भाई ये आंदोलन जो है प्रायोजित है, ये ईमानदारी के साथ आंदोलन नहीं हो रहा था। ये बहुत कोई भी आम आदमी भी जो आम किसानों का, वो भी इस चीज को समझ रहे थे क्योंकि समस्या किसानों से संबंधित थी। हमारी भी भावना ये थी कि भाई ये आंदोलन ये जो है सफल होना चाहिए, लेकिन जब 26 जनवरी को घटना हुई, पूरे देश के आमने पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी हो रही थी, उस चीज हमसे देखा नहीं जा रहा था। हमें बहुत गर्व हो रहा था कि हम लोगों ने सहयोग किया कि भाई किसान आंदोलन सफल हो। वो हमारी भी बात थी कि भाई किसानों की जो समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं बिल्कुल जायज है, ये मुझे कहने में आपत्ति नहीं है। मैं इसलिए इस ग्रुप का रहने वाला हूँ या इस ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ या ये मामला है, मुझे कुछ नहीं कहना, ये कहना है। नहीं नहीं, राकेश टिकैत जो कांग्रेस की फंडिंग पर काम कर रहे हैं, इस पर क्या कह रहे हैं? जहाँ तक सरकार की बिल वापस लेने की बात है, माफी मांगने की बात है, मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि ये सारी चीजें राजकीय रूप से की गई, क्योंकि 5 जगह चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है। सरकार को ये लगा कि हमें हानि हो सकती है, इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है। क्या आप सब लोग भी समझ रहे होंगे, मेरे साथी लोग जो डिबेट में है मेरे पास, ये भी इस चीज को समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूँ कि किसानों की समस्या है, आजादी के बाद किसानों के लिए काम नहीं किया गया। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी बार बार ये सवाल, भानु प्रताप सिंह जी तो खुलकर बीजेपी के समर्थन में नजर आ रहे हैं, भानु प्रताप सिंह जी तो खुलकर बीजेपी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं हर जगह। देखिए, मैं इस बारे में अभी ये टिप्पणी, इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। ठीक है, टिप्पणी नहीं करेंगे, मतलब वो बीजेपी के साथ है या नहीं है इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगा आपको, सारी बात मैं बोलूंगा, डिटेल में बताऊंगा। चलिए, मैं बहुत ईमानदारी के साथ ये कह सकता हूँ कि हम लोग ये बहुत ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं कि जो किसानों की जायज परेशानी है, ईमानदारी सब करें, ईमानदारी तो सब कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो कांग्रेस की फंडिंग पर काम कर रहे हैं, अभी अगर मैं अक्षांश से बात करूंगा तो अक्षांश जी कहेंगे कि आप तो बीजेपी की बी टीम है, मतलब ही क्या है इनसे? तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसान नेता है, कौन किसानों के भले की सोच रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का अलग है, तो किसानों के भले के लिए कौन काम कर रहा है? अगर कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं तो अब किसान सड़कों पर क्या कर रहे हैं जब किसान आपस में बटे हुए हैं? अगर मैं गलत कह रहा हूं अश्विनी जी, आप भूदेव जी तो मुझको करेक्ट करिएगा। जब कृषि कानून, आप ये बताइए, एक सेकंड रुकिए, आप बड़ा जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, एक सेकंड रुकिए भूदेव जी, एक सेकंड रुकिए। जब कृषि कानूनों को लेकर बातचीत थी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए, वापस लिया जाना चाहिए, अभी आप कहेंगे कि वो वीडियो आपने चलवाया था उसमें वो एमएसपी पर शुरू से बात कर रहे थे। एमएसपी जारी है, एमएसपी यथावत जारी है, एमएसपी के पीछे बहुत सारे भूदेव जी सुनने की क्षमता रखिए, कांग्रेस को सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। भूदेव जी सुनिए, एमएसपी लगातार जारी है, एमएसपी पर कोई रोक टोक नहीं है किसी भी तरह की, और एमएसपी पर बातचीत के लिए ही तो कमेटी बन रही है, कमेटी बन रही है, बातचीत होने दीजिए, कमेटी बनाइए, सरकार के साथ बातचीत होने दीजिए। अब आंदोलन की क्या भूमिका है, आंदोलन किस लिए है, क्यों है, और राकेश टिकैत की क्या भूमिका है? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूँ कि कमेटी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो उसके अध्यक्ष थे उनके नेतृत्व में कमेटी बनी, उन्होंने कहा। नहीं, इसका जवाब अगर अक्षांश जी दे तो ज्यादा बेहतर है, जो मैंने सवाल किए आप, एक सेकंड, इसका जवाब अगर अक्षांश जी दे तो ज्यादा बेहतर है, आप क्यों जवाब दे रहे हैं, आप क्यों, आप एक सेकंड भूदेव जी, आप कहे फंडिंग वाला आंदोलन है, भूदेव जी आप कहे उनके कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, भूदेव जी आप कहे उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। सवाल मेरा,
भूदेव जी बड़ा अपने आप को भूदेव जी देखिए भूदेव जी देखिए भूदेव जी बड़ा जेन्युइनली एक बात करूंगा भूदेव जी बड़ा जेन्युइनली एक बात करूंगा आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं भूदेव जी भूदेव जी भूदेव जी रुकिए भूदेव जी आप खुद को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं मेरा सवाल हो रहा है भारतीय किसान यूनियन के नेता से जो किसान नेता बैठे हुए उनसे आप काहे जवाब दे रहे हैं उनको जवाब देने दीजिए के पीछे ये खड़े हैं जवाब कौन देगा आपको आप जवाब लीजिए आप सवाल लीजिए अक्षांश जी आप सवाल लीजिए अक्षांश जी आप सवाल नहीं ले रहे हैं तो पीछे बैकअप के लिए भूदेव जी आ जा रहे हैं जवाब देने के लिए आप सवाल लीजिए आप जवाब दीजिए इसका अक्षांश जी देखिए एक चीज समझ लिया जाए पहले तो ना जिस दिन से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी उस दिन से लेकर आज तक जैसे पूर्व में भी मैं लगातार जिस दिन से कानूनों की बात से मैं लगातार न्यूज चैनल की डिबेट में रहा हर जगह जो आज आपका प्रश्न है वो लगातार संपादकों के द्वारा लगातार पूछा जा रहा था कि भाई ये क्या बात है अब क्यों आंदोलन किया जा रहा है जब आप लोगों की मुख्य मांग जो थी किसान आंदोलन की जो मुख्य मांग थी तीनों काले कानूनों की वापसी देश के प्रधानमंत्री जी ने आकर के स्वयं कह दिया और आज तो वापसी भी तैयारी पूर्ण तैयार हो चुकी लेकिन आपको मैं फिर बता देना चाहता हूँ सरकार ने पूर्व में ही पहले कहा था कि 1.5 साल के लिए स्थगित कर दो बीच में कहा कि कानून सही है हम समझा नहीं पा रहे हैं मतलब विभिन्न प्रकार की बातें की ठीक है इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने ही यही कहा था कि हम जैसे आज आप कह रहे हैं कि एमएसपी पे कह रहे हैं कि कमेटी बना लो बात कर लो उसी तरीके से देश के प्रधानमंत्री या आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी पूर्व में कहा था कि राजनीति में बहुत ढेर सारी बातें केवल की जाती है उसको जमीन में फॉलो नहीं किया जाता है आपने भी कई बार बयान सुना होगा उनका और प्रधानमंत्री जी ने तो यह भी कहा था कि काले धन की वापसी नहीं करेंगे 100 दिन के अंदर काले धन की वापसी होगी क्या आज तक वो काला धन वापस हुआ मसले को आप अलग एक मिनट मेरी बात पूरी हो जाने दिया जाए मैं बीच में नहीं बोलता हूँ लेकिन अब मेरी बात को पूर्ण हो जाने दिया जाए केवल एक मिनट चाहिए ज्यादा नहीं चाहता मैं ठीक अब रही बात एमएसपी पर आप उत्तर प्रदेश में इस समय धान की खरीद का मामला चल रहा है पूरी हर जगह और बुंदेलखंड के हर जिले खाद को लेकर के इतनी बड़ी मारामारी चल रही है कि किसानों का भी आपने आज ही देखा होगा लगातार पुलिस वालों के द्वारा उनके मतलब कि खाद लेने के दौरान उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया और जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि गन्ना किसानों के भुगतान की बात रही हो आंदोलन के ही दौरान अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भुगतान किया गया ठीक है इस तरीके के जो बड़ी मांगे थी ये लगातार आंदोलन के दौरान ही की जा रही थी ठीक है ठीक जब तक एमएसपी पर आज कहीं भी यहाँ तक कि देश के कृषि मंत्री जी का जो गृह जनपद आता है वहां तक एमएसपी पर अभी किसान ने उन्हीं के गृह जनपद में जब उसकी खरीद नहीं हो रही थी तो उसमें माचिस छुआ दिया था पूरी फसल में आग लगवा दी थी ठीक है चाहे वो लखीमपुर तक भी केस देख लीजिए वहां पर भी एक किसान ने जब उसकी एमएसपी क्या बहुत हल्के रेट पे खरीद रहे थे तो उसने उठा करके आग लगा दिया चलिए ठीक है एक मिनट हो गया अब मैं बोलता हूँ अक्षांश जी थोड़ा सा धैर्य रखिए अक्षांश जी आपसे बात के बाद मैं सीधे फिर अश्विनी जी के पास आऊंगा अक्षांश जी आप मैं यही तो कह रहा हूँ कि दरअसल ये मांगों का समंदर है जो कभी खत्म ही नहीं होगा हर किसी के जीवन में समस्याएं हैं पत्रकारों के जीवन में समस्याएं हैं पॉलिटिशियंस के जीवन में भी समस्याएं हैं हर किसी के डॉक्टरों के जीवन में समस्याएं हैं हर किसी के जीवन में तो हर कोई अपनी समस्याओं को जो पुलिंदा लेकर है सड़क पर नहीं आएगा ना अगर किसी चीज़ से आप नाराज़ हैं तो उस मांग को आप डेमोक्रेसी में रख सकते हैं आप रखिए आपकी बात को सुना जाए या ना सुना जाए वो एक अलग मसला हो सकता है आपने अपनी बात रखी तीनों कृषि कानून वापस लिए गए ये सबसे बड़ी जीत है किसान आंदोलन की या आपकी जीत हुई है आपकी जीत हो गई खत्म अब आप एमएसपी पर आ गए अब लोग ये कह रहे हैं बाहर कि आप एमएसपी अगर बात बन भी जाती है एमएसपी पर तो कल आप कहेंगे कि खाद की बात गारंटी दीजिए खाद समय पर मिलेगा ठीक है वो भी मांग जायज़ है उसके बाद आप कहेंगे कि गन्ना का जो मूल्य है भुगतान है वो समय पर किया जाए
फिर ठीक है, वो भी ठीक है, आपकी मांग जायज है। इसके बाद आप कहेंगे कि कर्ज माफी का एक सिस्टम बनाइए, वो भी ठीक है। इसके बाद आप और कुछ मांग रखेंगे, और कुछ मांग रखेंगे, फिर और कुछ मांग करेंगे, फिर कहेंगे मशीनों में सब्सिडी भी दीजिए, जो कृषि यंत्र है उनमें सब्सिडी दीजिए, वो भी मांग ठीक है। ऐसे मांगों का जो सिलसिला है वो कभी थमेगा ही नहीं। लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि राकेश टिकैत अगर इन मांगों को रखते रहे तो एक दिन कहेंगे कि मुझे कृषि मंत्री बना दीजिए, और नरेंद्र सिंह तोमर इससे खासा परेशान है। आपकी बात तो मैं उत्तर दे देता हूँ एक लाइन में। ये जितनी भी बात है, क्या जब कोई कर्मचारी नौकरी करने आता है, मैं आपसे बहुत छोटी सी एक उदाहरण देता हूँ, देश की आजादी के बाद जब ये आंदोलन, अभी प्रथम बार जब आंदोलन की शुरुआत की गई थी, मैं पहले तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने, समय की थोड़ी सी समस्या है, इन्होंने बड़ा धैर्य करके इन तीनों काले कानूनों की वापसी की, पहले तो उनका धन्यवाद। ठीक है, चलिए, थैंक यू कह रहे हैं आपको, चलिए मोस्ट वेलकम कह दीजिए अश्विनी जी, चलिए थैंक यू कह दिया आपको अश्विनी जी, चलिए ठीक है अश्विनी जी पर आऊंगा। अश्विनी जी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, किसान नेता थैंक यू बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग देखिए किस तरीके से इनकी वकालत कर रहे हैं। अब इसको क्या आंदोलन की पूर्ण वापसी तभी होगी जिस दिन एमएसपी पर गारंटी पर बात हो जाएगी, और एमएसपी पे आप गारंटी दे देंगे उनका क्या है, पूरे भारत के अंदर किसी भी जगह पर एमएसपी का केवल नाम लिया जा रहा है, कहीं भी एमएसपी पे खरीद नहीं हो रही है। ये कानूनों के साथ बहुत बड़ी मांग है, मैं अश्विनी जी से निवेदन करता हूँ कि चले किसी भी खरीद केंद्र में एक जगह चले और वहाँ पे किसी भाजपा, किसी कांग्रेस, किसी सपा और किसी बसपा की बात न करते हुए आप ऐसे किसान मंडल से वहाँ पर चले और वहाँ बड़ी दिलचस्प चीज है, बड़ी दिलचस्प चीज है। जैसे ही बीजेपी के प्रवक्ता बोलने की कोशिश करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तुरंत बोल रहे हैं, एक एक करके बोलिए। अश्विनी जी आप बात रखिए, फिर भूदेव जी पर आऊंगा। अश्विनी जी आप बात रखिए, क्या कहना चाह रहे हैं, किस प्रकार से वो किया है, हमको पूर्णतः क्यों नहीं आश्वस्त करा दिया जाता है कि एमएसपी रहेगी, तो उस एमएसपी की मांग को आप संवैधानिक दर्जा दे दे। अरे सुन जाइए, आप बहुत देर से एक मिनट आधा मिनट मांग रहे थे, मैं शांति से सुन रहा था। उत्तर प्रदेश में 53 लाख मीट्रिक टन रबी के फसल की खरीद का रिकॉर्ड सरकार ने एमएसपी पर रखा था, और किसान भाइयों ने उत्तर प्रदेश में 56 या 57 लाख मीट्रिक टन हमको दिया, एमएसपी पर बिका। ये कहां से आ गया भाई, अगर नहीं आप कह रहे हमारे साथ चलिए, तो ये धान की पिछले साल की हमारा जो खरीद था वो भी हमारे लक्ष्य से ज्यादा हमारे किसान भाइयों ने दिया, एमएसपी पर दिया। तो ये आप दुनिया को बरगलाने की कोशिश मत करते। हाँ ये जरूर है कि आप लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर पिछले साल 26 जनवरी को गणतंत्र की जो हत्या की है, अभी तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज और कही थी जो बड़ी बात कही है। नहीं नहीं सुन लीजिए, रुकिए एक सेकंड, अक्षांश जी थोड़ा सा सुन लीजिए फिर आप जवाब दीजिए। जी बोलिए। तो अक्षांश जी देखिए थोड़ा धीरज रखिए, बहुत देर से मैं आपको सुन रहा था, कोई मैंने बीच में किसी से नहीं बोला। आपने देखिए कुल मिलाकर यहाँ ऐसी कोई नहीं है, आप किसान हैं, किसान नेता हैं, आपको आंदोलन करने का हक है, मगर उन चीजों को लेकर अभी मतलब कृषि मंत्री बनाया जाए ना बनाया जाए वो दूसरी बात है, लेकिन जो मांगे हैं वो क्या जेन्युइन है अभी नहीं, आपके यहाँ फूट पड़ चुकी है, क्योंकि आप चाहते हो आंदोलन हो, बाकी 32 संगठन वापस जाने के लिए बोरिया बिस्तर बांध के खड़े हैं, कुछ तो जाना शुरू भी हो गए हैं, और सबसे अच्छा काम किया भानुपुत्र ने और बीएन सिंह जी ने, जब गणतंत्र की हत्या किसानों के द्वारा नाम पर की गई, किसानों के नाम पर की गई, तो इन लोगों ने आंदोलन से नाम वापस ले लिया। किसान आंदोलन नहीं मरा इनके अंदर से, हाँ जो आंदोलन के नाम पर जो दंगा किया जा रहा था उससे ये लोग हटे थे, और आज मैं इनको साधुवाद देता हूँ, आज ये लोग कम से कम अपनी मांगों को ठहराते हुए जाए। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, ठीक है अश्विनी जी, मिल गया। एसके सिंह जी ठीक है भूदेव जी बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूँ, एसके सिंह साहब से कमेंट ले लेता हूँ। एसके सिंह जी ये बताइए, आंदोलन को वापस लिए जाने का वक्त आ चुका है, हाँ या ना, भानुगुट क्या सोचता है? मेरी जो अपना जो राय है वो ये है कि सरकार ने जो तीन यानी काले कानून या जो भी रूप दे रहे थे, भानुगुट की क्या राय है, उनकी पापा ले दी, तो आप जो छोटी मोटी समस्याएं
इनको आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, और ये जो समस्या इनके लिए हम लोग लड़ते रहेंगे आगे भी। लेकिन एक बात मेरा अभी भी कहना है कि किसानों की समस्याओं के लिए सरकार को किसान आयोग का गठन करना ही चाहिए। ठीक है भूदेव शर्मा जी, किसानों की समस्या हल। भूदेव शर्मा जी, इसलिए मैं एसके सिंह साहब के काम देश में हुआ नहीं है। ठीक है, ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि किसानों के लिए आजाद भारत में काम नहीं किया गया। ठीक है, ठीक है, और किसान वास्तव में परेशान। ठीक है, एक सेकंड भूदेव जी, भूदेव जी आप सवाल ले लीजिए। भूदेव जी, भूदेव जी, भूदेव जी, अरे अरे कांग्रेस प्रवक्ता साहब हाथ जोड़कर विनती है, सवाल लीजिए, हाथ जोड़कर विनती है, सवाल लीजिए। भूदेव जी आप पर आने से पहले मैं इसीलिए एसके सिंह जी के पास गया था कि दो किसान नेता, दो किसान संगठन से जुड़े हुए लोग, दो किसान संगठनों के प्रवक्ता एक कह रहे हैं कि आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, एक कह रहे हैं कि नहीं अब आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए। कांग्रेस क्या कह रही है? आप ये देखिए कि आप जहां गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, या जहां पर भी जितने किसान नेता हैं, राकेश टिकैत जी हो या दूसरे किसान नेता, शायद मुझे लगता है कि आपने या फिर हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने अच्छे से नहीं सुना। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि एमएसपी पर गारंटी बनाइए, कैसे लागू होगा उस पर कमेटी बनाइए, और जितनी भी समस्या है भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर के, बिजली बिल को लेकर, उस पर कमेटी बनाइए जो आगे काम करती रहेगी और आंदोलन खत्म होगा। ऐसा नहीं आपने बोल दिया कि एक के बाद एक समस्या आती रहेगी और आंदोलन चलता रहेगा। आप पहले इसे अच्छी तरह सुनिए, समझिए, उसके बाद इस बात को बोलिए। तो केवल और ये एमएसपी का मसला इस तीन काले कानूनों से पहले का है जो उनके साथ में भी था और अभी भी चल रहा है। इससे पहले तो आप भी हुआ करते थे सत्ता में, हर बार बारंबार बंद कीजिए। आप इतने वर्ष सत्ता में रहे, आप कहां थे फिर? चले गए 15 संगठन रह गए जो किसान पहले थे, वो हर चीनी चोरी से आकर के ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर तब तक बचे रहेंगे जब तक। चलिए ठीक है, पूरी तरह से चलिए ठीक है, समय की कमी के कारण यही सबको रोक रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। अश्विनी जी शानदार तरीके से अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूदेव शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षांश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एसके सिंह साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, दिस इज किसान आंदोलन फॉर यू, जहां पर आधे संगठन कह रहे हैं कि आंदोलन को खत्म करने को बात, तो आधे संगठन कर रहे हैं जी ना बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत दरअसल अब अपनी सियासी जो दुकान है उसको चलाने में पूरी तरह से व्यस्त है, और ऐसे में जो एसकेएम है, संयुक्त किसान मोर्चा, उसने राकेश टिकैत को खुलकर तो नहीं लेकिन हां दुबी जुबान से आंदोलन से किनारे कर दिया। एसआईड आंदोलन का भविष्य क्या होगा, इस पर थी आज की चर्चा। राकेश टिकैत जो कल तक किसान नेता थे, क्या वो अपनी सियासी दुकान के लिए सियासी चटाई ढूंढ रहे? क्या कुछ मिलेगा गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की? कब हो सकेगी घर वापसी? क्योंकि सिंगू बॉर्डर के किसान तो वापसी की तैयारी में हैं, बैग पैक हो चुके हैं, ट्रक आ चुके हैं, ट्रैक्टरों पर सामान लोड हो चुका है। तो क्या यह सिंगू बॉर्डर बनाम गाजीपुर बॉर्डर हो चुका है पूरा आंदोलन? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब भविष्य देगा, और भविष्य में इस आंदोलन की क्या दशा और दिशा होगी ये जवाब भी आपको भविष्य में मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी आज रात 9 बजे सिर्फ भारत @9। शुक्रिया।